अनिल सिंह जी, अनिल कुमार जी। अनिल जी नमस्कार, बिहार में कहां से हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार अनिल जी, बिहार में मैं बक्सर से हूँ, बक्सर जिला से सर, बिहार बक्सर। अच्छा बक्सर से। सर मैं बिहार में बक्सर जिला से हूँ। हाँ बोलिए अनिल जी। सर मैं बक्सर जिला से हूँ। हाँ बोलिए ना सर, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। सर हम एजेंट हैं। अच्छा हाँ बोलिए जी सर, आप मैं कार्यकर्ता हूँ सारा इंडिया का। सर मैं कार्यकर्ता हूँ, हमारे जितने जमा करता है उसमें इन लोग प्योर गोल्ड है, इन लोगों में कहीं से कोई कमी नहीं है, ना कोई डिफिशियंसी है सर। सारा डिफिशियंसी जो है सहारा में है और सीआरसीएस में है सर। सेबी भी पेमेंट कर रहा था रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का, तो वो तो डिफिशियंसी किसी को नहीं दिया, वो तो ब्याज के साथ भुगतान किया है सर। लोग डिफिशियंसी डिफिशियंसी खेल रहे हैं और ऑफिस सर खुलने वाला नहीं है। ऑफिस जिस दिन खुलेगा उस दिन जमा करता पहुंचेंगे पेमेंट लेने के लिए। तो सर हमको जानकारी नहीं हो पा रहा है कि लोग ऑफिस खोलेंगे, ऑफिस खुलने का तो सर सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ जमा कर को मीडिया को बरगलाने के लिए चाटुकार लोग और बोल रहे हैं कि दशहरा में खुल जाएगा, दिवाली मनेगी सहारा के कार्यकर्ताओं के घर, जमाकर्ताओं के घर। सब सर ये फेक न्यूज है, कहीं से एक पैसा ये लोग इतना आसानी से देने वाले सर नहीं है। इसके लिए लीगल में हम लोग को जाना ही होगा। लीगल में जाना ही होगा, तो लीगल में आप चले ही गए हैं, तो इसलिए आप लोग सारे लोग जुड़िए उनके साथ, जुड़िए जो आपके लीगल का जो फाइट कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए, उनके साथ जुड़ करके ये लड़ाई को कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा आपको। हाँ सर, कहां जाएंगे पैसे तो दिलवा के रहेंगे। हाँ हाँ, चाहे जैसे हो पैसे तो सब जमाकर्ता को दिलवाना ही है। तो आपके इलाके में कोई ऑफिस वगैरह कोई डिफिशियंसी वगैरह का कोई खेल चल रहा है आपके इलाके में बक्सर में? जी, तो वहां भी घर में घर में ऑफिस खोले हुए हैं, 50 रुपए 100 रुपए लेकर के डिफिशियंसी को सुधार कर रहे हैं। तो सुधार करने के बाद पैसे आ रहे हैं उनके जिनका सुधार हो रहा है? नहीं सर, अभी तक नहीं आया है। या हो सकता है एक दो पार्टी का, हमारा दो पार्टी का 10-10 हजार आया है, लेकिन डिफिशियंसी से पहले वाले में। पता नहीं सर कैसे लोग चेक करते हैं, कैसे क्या करते हैं। हम लोग सब कुछ पेपर दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, फिर भी डिफिशियंसी सर। ट्रिपल मेंबरशिप वाला लोग ही बात बोल रहे हैं, तो सर जैसे कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी पर जाने पर भाषा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ तो 1 किलोमीटर चेंज में अगर कहीं ऑफिस है तो वहां हम किसी जमाकर्ता का खाता खुलवाते हैं, तो हमको भी अपना आईडी बनवाना है, मेंबरशिप लेना है, और उस पार्टी का दूसरा जगह की है तो वहां दूसरा मेंबरशिप मिलता है, यहाँ दूसरा मेंबरशिप मिलता है। आप लोग बोल रहे हैं कि ट्रिपल मेंबरशिप है, ये है वो है सर। ठीक है। हाँ चौधरी जी, गणेश चौधरी जी बोलिए, मैं क्लोज करूंगा। बोलिए गणेश जी, 1 घंटा हम लोग बातचीत कर चुके हैं, बोलिए गणेश जी। अनम्यूट कीजिए गणेश जी। हाँ अनम्यूट कीजिए माइक को, माइक आपका। हाँ आप बोलिए। चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वर्ष 19, 20 और 21 में जब सीआरसीएस ने सहारा के माध्यम से करोड़ों रुपए का भुगतान करवाया था, उस समय डिफिशियंसी नाम की चीज नहीं थी। दूसरी बात है सर, अगर सहारा की नियत सही में जमाकर्ताओं को राहत पहुंचाने की है और भुगतान करने की है, तो क्यों ना एक एफिडेविट के माध्यम से सीआरसी में एफिडेविट पेश कर ये कहे
कि जितनी भी डिफिशियंसी आ रही है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसको पूरी करके दूंगा आपको, आप जमाकर्ताओं को सिर्फ भुगतान कीजिए, क्योंकि आपके जो भेजे गए प्रपत्र वो हमारे हैं, आप जो भुगतान कर रहे हो वो पैसा भी हमारा है और हमारे द्वारा जारी किए गए प्रपत्र ही है जिस पे आप भुगतान कर रहे हो, तो इसलिए सारी डिफिशियंसी की जिम्मेदारी सहारा प्रबंधन लेता है, आप इन जमाकर्ताओं को भुगतान कीजिए, ऐसा एक एफिडेविट देकर जमाकर्ताओं में विश्वास जमाने की पहल करनी चाहिए सर मैनेजमेंट को, तभी संभव होगा सर। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आज के लिए इतना ही, कल तीन बजे आपसे जुड़ेंगे। लेकिन बोलिए जब्बार साहब बोलिए। मैं कहना ये चाह रहा था सर कि अगर सहारा की नीयत ठीक है और वो कुछ करना चाहती है, वाकई में कुछ करना चाहती है, तो ना रिलांचिंग की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, ये सीधे सीधे पेमेंट क्यों नहीं कर रही है, ये पोर्टल पर डिफिशियंसी क्यों पैदा कर रही है, जबकि अकाउंट नंबर भी उसी ने जारी किया, मेंबरशिप नंबर भी जारी किया, सर्टिफिकेट भी उसी ने जारी किया, डिफिशियंसी क्यों पैदा कर रही है। आपको बताएं सर, 2020 में एक एक एजेंट हमारे अपने कानपुर एरिया की बात कर रहे हैं, कानपुर जोन की बात कर रहे हैं, एक एक एजेंट ने एक एक करोड़ का डिमांड डायरेक्ट सीआरसी में किया और उनका पूरा पूरा एक एक करोड़ का पेमेंट आ गया, तो ये पोर्टल से तो बढ़िया सीआरसी में डायरेक्ट कंप्लेंट करे और वहां पर पेमेंट आ जा रहा था, एक एक करोड़ का पेमेंट आ रहा था, तो ये डिफरेंसेसी पैदा कर रहे जबरदस्ती का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रात 9 बजे आज आप विशेष कार्यक्रम देखना मत भूलिए कि कुकर्म का फल कितना खतरनाक होता है। एक पूरी सत्ता कैसे बिखरती है, टूटती है, हाथ से चली जाती है और लोग सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ तिकड़म करके बच जाएंगे। तो रात 9 बजे जरूर देखिए। नमस्कार।